हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग बच्चों? हमारा 7th वाला चैप्टर चल रहा है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक बच्चों आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पूरी एक प्लेलिस्ट ओपन होगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने 3rd, 4th, 5th, 6th ये 4 चैप्टर है जो कंप्लीट कर लिए, वो सारे लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और 7th चैप्टर का जो लास्ट वाला जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, वो आपको लास्ट ही लास्ट में बिल्कुल बॉटम में आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। तो आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है बच्चों, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, और बायोस्फीयर से क्या मीनिंग है ना, और ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, इसके अंदर कौन कौन से सेंचुरी मतलब सेंचुरी है, नेशनल पार्क है इसके अंदर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्लोरा एंड फ्यूना में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। और एंडेमिक स्पेसीज पहले देखेंगे, स्पेसीज क्या होते हैं, इसकी डिफाइन क्या होती है, उसके बाद ये भी जानेंगे कि एंडेमिक स्पेसीज क्या होती है और स्पेसीज क्या होते हैं। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है, चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या मीनिंग है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? देखो बच्चों, कंजर्वेशन से पहले आप मीनिंग समझ लो। देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से मीनिंग है कि देखो, हमने जो लास्ट वाला जो लेक्चर था ना, उसके अंदर हमने जाना था डीफॉरेस्टेशन के बारे में जाना था, ठीक है? डीफॉरेस्टेशन क्या मीनिंग था? डीफॉरेस्टेशन यानी कि जो फॉरेस्ट वगैरह होता है उनका पूरा का डिस्ट्रॉय हो जाना, उनको कट कर देना, वही आपका डीफॉरेस्टेशन था। तो जब वो डीफॉरेस्टेशन किया जा रहा था तो हमको मालूम है उसके अंदर कई सारे ऐसे प्लांट है जो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, कट हो रहे थे। इतना ही नहीं, उस पर जो डिपेंडेंट एनिमल थे उनका भी लॉस हो रहा था, उनके जो हैबिटेट थे उन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा था इस चीज़ का। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अदरवाइज होगा क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ना दिखने में कोई एनिमल दिखेगा और ना कोई फॉरेस्ट दिखेगा, ठीक है? तो अब इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे किया जाए, तो यही आपके लिए क्या होगा, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से मीनिंग है कि जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको सेव करना, ठीक है? इनको प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में इनको यूज करना, ठीक है? यही आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट समझे बच्चों, पहले इससे पहले हम कुछ टर्म जान लेते हैं जो अगेन एंड अगेन यूज होगी। जैसे कि एक वर्ड है बायोस्फीयर, यहाँ पर देखो बायोस्फीयर लिख रखा है, ठीक है? तो बायोस्फीयर क्या होता है देखो, पहले बायोस्फीयर, चलो बायोस्फीयर समझना है ना आपको। तो बायोस्फीयर के साथ साथ हम कुछ टर्म और जानते हैं जो आपने सुने होंगे इससे पहले, जैसे एटमोस्फेयर दिख रहा है यहाँ पे, एटमोसफेयर। तो ये जो वर्ड है बच्चों, एटमोसफेयर, ये यूज किया जाता है एयर के लिए, है ना? जो हमारा अर्थ लैंड के ऊपर जो सराउंडिंग होती है ना, एनवायरमेंट, तो जहाँ पे एयर वगैरह मिक्सर ऑफ गैसेज वगैरह प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है एटमोसफेयर। जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड इमेज में भी देख सकते हो, तो ये अपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे एटमोसफेयर, ठीक है, जहाँ पे एयर वगैरह प्रेजेंट होगी, ठीक है? और वहीं अगर बात की जाए वाटर की, तो जहाँ कहीं भी वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, उसके लिए यूज किया जाता है हाइड्रोस्फीयर। ऐसे भी ये वर्ड है हाइड्रो, ये ध्यान रखना बच्चों, जो हाइड्रो वर्ड होता है, हाइड्रो वर्ड ऐसे यूज ही वाटर के लिए होता है ना। हाइड्रो से मीनिंग आप वाटर समझ सकते हो। तो ऐसा स्फीयर जहाँ वाटर के लिए बात की जा रही है, वो हाइड्रोस्फीयर होगा। तो एटमोस्फेयर समझ में आया, हाइड्रोस्फीयर समझ में आया, और एक होता बच्चों जियोस्फीयर। जियोस्फीयर जो लैंड वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड इमेज में, तो ये आपको ये जो लैंड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये तो इसको बोला जाएगा जियोस्फीयर, ठीक है? इसको जियोस्फीयर के अलावा एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोला जाएगा? लिथोस्फीयर। तो जियोस्फीयर, लिथोस्फीयर दोनों सेम या सेम थिंग है ना, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। एटमोस्फेयर मैंने आपको बता दिया, और एक होता हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे देखो वाटर है ना, ये हाइड्रोस्फीयर। तो तीन स्फीयर हो गए यहाँ पे, और बच्चों इन तीनों स्फीयर को मिलाकर हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है? तो बायोस्फीयर किसको बोला जाएगा? ऐसा कोई भी मतलब प्लेस या फिर ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे क्या हो, आपको देखने के लिए जियोस्फीयर भी मिल जाए, यानी कि लैंड दिख जाए आपको मिले, और एटमोस्फेयर मिले जहाँ पे एयर वगैरह का मिक्सर हो, गैसेज हो, साथ ही साथ हाइड्रोस्फीयर हो। तो अगर ये तीनों चीजें मिलती है बच्चों, तो वो आपके मिलकर बनता है बायोस्फीयर। ध्यान रखोगे आप लोग, याद रखोगे इसको, मैं एक छोटे से चार्ट से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक तो है एटमॉस्फेयर, और सेकंड क्या होगा आपके लिथोस्फेयर,
लिथोस्फेयर, ठीक है, और थर्ड वन होगा बच्चों हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। और इनमें डिफरेंस मालूम है ना, एटमॉस्फेयर जो मिक्सर ऑफ एयर के लिए यूज होगा, और लिथोस्फेयर जो लैंड के लिए यूज होगा, इसको एक और नाम से जानेंगे अपन, किससे, जियोस्फेयर से, और एक हाइड्रोस्फेयर जो यूज होता है वाटर के लिए। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाएगा बच्चों, बायोस्फेयर। तो ध्यान रखोगे आप लोग, बायोस्फेयर। तो आपको क्या लगता है, एनिमल, जो भी एनिमल वगैरह है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? क्या वो एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करेंगे, क्या लिथोस्फेयर में, या हाइड्रोस्फेयर में? जो मोस्ट ऑफ दी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? आप कहोगे सर यहाँ पे तीनों थे, कि वो चाहेंगे कि उनको तीनों चीजें मिले, उनको ब्रीथिंग के लिए एयर मिले, उनको रहने के लिए लैंड मिले, और उनको वाटर मतलब ड्रिंकिंग के लिए वाटर मिले उनको। तो अगर ये तीनों चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बायोस्फीयर, तो जो एनिमल होंगे, मोस्ट ऑफ दी जो एनिमल होंगे, वो भी कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, बायोस्फीयर पर रहना पसंद करेंगे। तो इट मीन्स अगर अपन बायोस्फीयर को रिजर्व कर लें, अगर अपन बायोस्फीयर को रिजर्व कर लें, तो इट मीन्स हम जो एनिमल्स जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी रिजर्व कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाएगा बच्चों, अगेन अगेन बायोस्फीयर। जहाँ पर बायोस्फीयर यूज किया, इसका मीनिंग है कि वहाँ पर आपको वाटर, लैंड एंड एटमोसफेयर तीनों की बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखो बच्चों, एक और टर्म है जो आपको जरूरी है आपके लिए जानना, वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, कि डाइवर्सिटी से मीनिंग है कि रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, कि जो अपनी अर्थ है, अर्थ पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से यहाँ मीनिंग सिर्फ बच्चों एनिमल से नहीं है, ना ही सिर्फ प्लांट से है, यहाँ पे दोनों से मीनिंग है। चाहे फिर वो इसकी प्लांट की बात की जाए, ठीक है, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, इन दोनों के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक जो हमारे अर्थ पर जो प्रेजेंट है, उसी को क्या बोला जाएगा, बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसीज जो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट है, उन्हीं को बोला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो कि अब आप लोग बच्चों चलिए वापिस आते हैं अपने, तो इसी को अब हम को इनको सेव करना जरूरी है, इनको कंजर्व करना जरूरी है, हमारे लिए प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या, हम मालूम है कि हम तो बहुत लालची हो रहे हैं, काफी सारे होते हैं जो केयरलेस होते हैं, जो ध्यान नहीं रखते हैं। सॉरी बच्चों, तो चलिए अब इनको कैसे सेव कर सकते हैं, इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है बच्चों, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को मतलब उनको कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बना रखे हैं इन्होंने, जहाँ पे इनको सेव किया जाता है। चाहे बात की जाए फिर फ्लोरा की, चाहे बात की जाए फ्यूना की, दो वर्ड है बच्चों, फ्लोरा एंड फ्यूना। जो फ्यूना वर्ड होता है ये यूज किया जाता है बच्चों, अभी ऐसे तो आगे आएगा, इसके हल्के से डिफाइन भी आएगी, तो भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जो फ्लोरा वर्ड होता है बच्चों, फ्लोरा वर्ड यूज किया जाएगा प्लांट्स के लिए। किन के लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे, एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे वो प्रेजेंट हो, उनके लिए फ्लोरा वर्ड यूज किया जाएगा। और सेकंड है फ्यूना, ठीक है। जो फ्यूना वर्ड है ये यूज किया जाएगा एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखोगे फ्यूना से मिलेंगे एनिमल के लिए, और फ्लोरा में प्लांट के लिए यूज किया जा रहा है। और कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो ना, देखो फ्लोरा बेसिक याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आपको ऐसे याद रखना। देखो फ्लोरा में आपको कन्फ्यूज हो सकता है, फ्लोरा प्लांट के लिए यूज होगा या एनिमल के लिए। तो आप देखो फ्लोरा 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 में कहीं ना कहीं आपको फ्लोवर जैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्लोरा फ्लोवर फ्लोवर, तो आप ध्यान रख सकते हो फ्लोवर क्या है, प्लांट है। तो फ्लोरा से आप फ्लोवर, फ्लोवर से प्लांट याद रख सकते हैं। वैसे एक सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ध्यान रखोगे फ्लोरा वर्ड प्लांट के लिए और फ्यूना वर्ड एनिमल्स के लिए यूज किया जाएगा। चलिए वापिस आ जाते हैं अपन। तो ये जो फ्लोरा है और फ्यूना है, और इनकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट वर्ड बच्चों, एक और नया वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे, हैबिटेट। हैबिटेट से मीनिंग क्या है, कि ये जो फ्लोरा और फ्यूना जहाँ पे ये रहते हैं, इनके रहने के जो प्लेस है, इनके जो रहने का जो एरिया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर एरियाज में। तो कुछ फ्लोरा ऐसे होते हैं बच्चों, एक पर्टिकुलर एरियाज में फाइंड होते हैं, वहीं पे वो सर्वाइव करते हैं, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कुछ फ्यूना है जो एक पर्टिकुलर एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया में वो सर्वाइव करते हैं, वहां पर रहते हैं, तो वो उनके लिए उनका हैबिटेट होगा।
हैबिटेट से मतलब समझ सकते हैं उनका लिविंग प्लेस, कि वो कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, वही उनके लिए क्या होगा बच्चों, उनका हैबिटेट होगा। ठीक है, तो अब ये जो फ्लोरा फ्यूना इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है और इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया को इन्होंने कवर किया, अलग अलग डिफरेंट पार्ट में इनको डिवाइड किया। जैसे कि वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एक बात की जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, सेकेंड है नेशनल पार्क, और थर्ड वन है बायोस्फीयर रिजर्व। ये थ्री एरियाज में इनको कैटेगराइज कर दिया इनको, और इनके हेल्प से ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स वगैरह हैं, इनको फॉरेस्ट वगैरह को इनको ये कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। और ये जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया चाहे बात की जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, चाहे नेशनल पार्क की, चाहे फिर बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इनके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोहिबिटेड की जाती है। प्रोहिबिटेड यानी कि जो भी वहाँ पे मतलब कि जो प्लांटेशन होता है उसको वहाँ पे प्रोहिबिटेड मना किया जाता है, कल्टीवेशन करना मना किया जाता है, खेती बाड़ी आप जाकर नहीं कर सकते इन जगह पे, आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते, फेलिंग ट्रीज वगैरह को आप नहीं काट सकते, और वहाँ पे हंटिंग भी नहीं कर सकते आप, और वहाँ पे आप कोई भी शिकार वगैरह वहाँ पे नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से मीनिंग है प्रोटेक्टेड एरिया से। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। चलिए, अब ये जो प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क की और बायोस्फीयर रिजर्व की, इनके बारे में और हम हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये टॉपिक, तीनों टॉपिक अच्छे से आगे कवर होंगे, उसके अंदर अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होगी आपके लिए, देखो ये भी एक टाइप का एरिया होगा अर्थ के ऊपर, जो हमारी अर्थ है प्यारी सी, इस अर्थ के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल को, चाहे वो एनिमल चाहे फिर बर्ड वगैरह की बात की जाए, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिस मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिस टाइप मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिस को वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, एक एरिया को कवर करते हैं। ये सब काम गवर्नमेंट के द्वारा होता है बच्चों, गवर्नमेंट ही होती है जो एक एक अर्थ के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को वहाँ पे उसको सेंचुरी में कन्वर्ट करती है, ताकि वहाँ पे जो एनिमल वहाँ पे रह रहे हैं, जो उनके हैबिटेट हो, उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, उन एनिमल्स को वहाँ पे बचाया जा सके, है ना, कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ध्यान रखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन पर्पज़ क्या होगा, जो एनिमल्स वगैरह हैं इनको प्रोटेक्ट करना और इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हैबिटेट यानी इनकी रहने की जगह। सेकेंड बात है बच्चों, नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क भी ये भी वही होता है कि जहाँ पे पर्टिकुलर एक किसी एरिया को वहाँ पे प्रिजर्व, वहाँ पे रिजर्व किया जाता है, उस एरिया को वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे, चाहे वहाँ पे बात की जाए एनिमल्स की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स को और इसके अलावा जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए, चाहे प्लांट्स वगैरह हो गए, फॉरेस्ट वगैरह, वहाँ पे उनको कंजर्व किया जाता है, उनको भी कंजर्व, यानी मतलब प्लांट के साथ साथ इनको भी कंजर्व किया जाता है। ठीक है, और इनकी हैबिटेट वगैरह को, और बायोस्फीयर, देखो बच्चों इन तीनों में डिफरेंस है, अभी मैं एक हल्का हल्का सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक वापस आपके अच्छे से आपके डिटेल में अपन डिस्कस करना है अपन को। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व से क्या मीनिंग है यहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक लार्ज एरिया में होता है, ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया होगा बच्चों, बट ये क्या होगा, एक लार्ज एरिया में होगा। ठीक है, लार्ज एरिया में, जैसे कि जहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट होगी, वहाँ पे लैंड भी प्रेजेंट होगी, तो वहाँ पे सब चीज़ें प्रेजेंट होगी और एक बहुत बड़ा वहाँ पे एरिया कवर किया जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या हो जाएंगे, आपको ये नेशनल पार्क मिल जाएंगे, इसी के अंदर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएंगे, इतने बड़े एरिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इनका पीछे पर्पज क्या होता है कि प्लांट को, जो भी वाइल्ड लाइफ, जो भी प्लांट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, एनिमल को उनको कंजर्व करना, उनके रिसोर्सेज को कंजर्व करना, और इतना ही नहीं, प्लांट और एनिमल के साथ साथ कुछ ऐसी ट्राइब्स भी होती है, ट्राइब्स को भी यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ट्राइब्स से मतलब है कि ट्राइबल से मीनिंग है कि जो होते हैं ना आदिवासी होते हैं, जो जंगलों के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो रहते हैं ना आदिवासी, सुना होगा आपने, जो सिटी वगैरह से अलग होकर वहाँ पे शुरू से वो स्टार्टिंग से ही वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं, वो अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से वहाँ पे रहते हैं, उनका रहने का तरीका अलग होता है, उनका खान पान सब उनका अलग होता है, तो वो उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, तो उनको भी बचाने के लिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, इनमें भी अपन डिफरेंस पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व, अभी अपन ने एक हल्का सा तो आइडिया ले ही लिया, इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व आर
आर दी एरियाज मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इनको बनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी समझ रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। और इसके साथ ही बच्चों कि जो देखो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की भी डिफाइन दे रखी। देखो बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कि जो प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत जिनका साइज बहुत छोटे होते हैं बच्चों। प्लांट तो आप इजीली आप देख सकते हो सामने से, एनिमल्स को भी देख सकते हो क्योंकि साइज इनके इतने बड़े होते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज बच्चों बहुत छोटे होते हैं। अपन काफ़ी टाइम तो उनको नेक्ड आइज से देख भी नहीं पाते हैं खुली आंखों से, तो इनका साइज बहुत छोटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म ही है। अब देखो हाँ, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनके पीछे रीजन क्या होता है इनको बनाने का, ध्यान रखना बच्चों। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनको बनाने के पीछे रीजन क्या होता है, ये काम करते हैं मेंटेन करने का। किस चीज को मेंटेन करना, एक तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, इसके अलावा उनके कल्चर को मेंटेन करना। कल्चर से मतलब है देखो यहाँ पे क्या क्या किया, प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी अपने पढ़ा था प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसके अलावा जो ट्राइब्स है ना, ट्राइबल है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो लोग कुछ रहते भी है जंगलों के अंदर आदिवासी, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा क्योंकि उनका पता है उनका ट्रेडिशनल उनका अलग है, उनका कल्चर अलग होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। और एक इसी का एग्जाम्पल है बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व का, वो है ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों। ये एक एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व का। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है आपको मालूम होना चाहिए। यह है बच्चों एमपी में, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ इसी रिजर्व के अंदर बच्चों कितनी देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इसी रिजर्व के अंदर इसी बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे आपको एक वन नेशनल पार्क भी मिल जाएगा और यहीं पर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगी। कौन कौन सी है यहाँ पर नेशनल पार्क, सतपुरा, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा सतपुरा नेशनल पार्क, दिख रहा है आपको बीचों बीच लिख रहा है मेडल में सतपुरा। देखो इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सतपुरा नेशनल पार्क भी है और इसी के अंदर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। कौन कौन सी, एक तो है बोरी है ना, और एक है पंचमढ़ी। कहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे, ठीक है थोड़ा यहाँ पे कट हो गया कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे टू यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। तो देखते हैं बच्चों आगे वो जानते क्या होता है। इसके बाद में देखो बच्चों फ्लोरा एंड फ्यूना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फ्लोरा क्या होते हैं, द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया टर्म एज फ्लोरा एंड फ्यूना। कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं, कौन प्लांट, एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरा। और सेकेंड वन, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल सर्वाइव करते हैं, एनिमल जो रहते हैं वहाँ पे, उनको बोला जाता है, उनके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बच्चों फ्यूना। दो वर्ड यूज करना, जैसे कि अगर बात की जाए पंचमढ़ी है ना, अभी पढ़ा ना पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ये भी एक पर्टिकुलर एरिया हो गया जिसके अंदर कई सारे ऐसे प्लांट हैं तो पर्टिकुलर वहीं पे पाए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे ये कि ये वाइल्ड डॉग की बात की जाए, और चीतल की बात की जाए, और वॉल्फ लियोपॉर्ड, और ये फर्न जामुन ट्रीज, ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल है जो वहां पर पाए जाते हैं पंचमढ़ी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। अब इसके बाद में बच्चों बात करते हैं एंडेमिक स्पेसीज। क्या होते हैं एंडेमिक स्पेसीज देखते हैं। तो बच्चों एंडेमिक स्पेसीज, देखो पहले स्पेसीज जान लेते हैं, स्पेसीज किसको बोला जाता है, स्पेसीज आगे वाले टर्म पर, ये रहा स्पेसीज। स्पेसीज क्या होते हैं, स्पेसीज बोला जाता है स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। क्या मीनिंग हुआ, स्पेसीज बोला जाएगा कुछ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चाहे यहाँ पर बात सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, चाहे फिर एनिमल्स की बात की जाए, कि कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर ग्रुप ऑफ बर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ग्रुप ऑफ प्लांट। तो ये जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है तो जो अपने आप से मतलब क्या ना, मतलब अपने सेम टाइप के स्पेसीज से क्या कर सके, न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। नहीं आ रहा समझ में, चलो मैं बताता हूँ। देखा स्पेसीज का मीनिंग क्या है, देखो बच्चों जो स्पेसीज वर्ड है, स्पेसीज से मीनिंग है कि ऐसे कोई भी लिविंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख सकते हो, पॉपुलेशन लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सके, सेम टाइप के, ऐसे कोई भी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेम टाइप के ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, सेम टाइप के ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस। ऑफ स्प्रिंग से मीनिंग क्या बच्चों, यहाँ पे चाइल्ड से मीनिंग समझ सकते हो, चाइल्ड समझ सकते हो, बेबी समझ सकते हो, छोटा सा ना जो न्यू रिप्रोडक्शन के बाद में प्रोड्यूस होता है ना, रिप्रोडक्शन के बाद में, जब रिप्रोडक्शन के बाद में जब एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है, मेल और फीमेल पेरेंट से मिलकर क्या बनता है, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग या बेबी हम कह सकते हैं, चाइल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो जो प्रोड्यूस होता है उसको हम उसी प्रोसेस क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। तो अगर वो जो प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो सेम टाइप का, इन्हीं के टाइप का है, तो उस केस में हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसीज क्या, किसको बोला जाएगा, स्पेसीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो क्या करते हो, अपने ही टाइप के, सेम टाइप के ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हो, उसी को बोला जाएगा स्पेसीज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे बात की जाए हॉर्स की बात की है, क्योंकि मालूम है कि हॉर्स मिलकर क्या करते हैं, एक न्यू हॉर्स को वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन हो गए, ह्यूमन में भी मेल एंड फीमेल मिलकर वहाँ पे एक न्यू बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट के अंदर भी होते हैं, प्लांट भी क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर पाते हैं ना, तो वो सारे स्पेसीज है बच्चों। तो इसी से वर्ड बना है बच्चों, स्पेसीज से, एंडेमिक स्पेसीज। तो एंडेमिक स्पेसीज क्या होता है, तो बच्चों एंडेमिक स्पेसीज किसको बोला जाता है, कि एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसे स्पेसीज, चाहे फिर वो बात की जाए प्लांट की बात की जाए फिर एनिमल की बात की जाए, चाहे प्लांट की या फिर एनिमल की, ऐसे स्पेसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हो, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, आपको हर कहीं नहीं मिले नेचुरली, आपको कहीं पे भी ऐसे नहीं कि हर कहीं वो फाउंड होंगे, ऐसा नहीं है, कहीं एक पर्टिकुलर एरियाज में फाउंड होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पेसीज बोलेंगे। आया समझ आपको, एंडेमिक स्पेसीज जो, ऐसा कोई भी स्पेसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता हो, जो हर कहीं आपको नहीं मिलेगा, उसी को बोला जाएगा एंडेमिक स्पेसीज। जैसे कि एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे देखो गेंट स्क्वायरल है, ना, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके पचमढ़ी, कौन से पचमढ़ी, अभी पढ़ रहे हैं ना पचमढ़ी, जो कि एमपी में, वहाँ उस बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा। एक यहीं पे है वाइल्ड मैंगो, ये जो वाइल्ड मैंगो ये स्पेसीज है, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बच्चों आते हैं, स्पेसीज हमने जान लिया, और अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चलिए डिस्कस करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं हल्का सा, तो कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, इनका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको उनके टाइप का उनको क्या करना है, ऐसा उनको उनको फैसिलिटीज, उनको कंडीशन ऐसी प्रोवाइड करवाना, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, वहाँ पर रह सके, जी सके। एक मतलब कि कोई भी फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट के किसी भी एक पार्ट को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या कह सके, वो जो वाइल्ड एनिमल वहाँ पे आराम से रह सके, उनको बचा सके उन लोगों से जो वहाँ पे हंटिंग करते हो या फिर उनको किल करने का काम करते हो, स्मगलिंग करते हो, उनको बेचने का काम करते हो, तो उनसे बचाने के लिए यहाँ पे सेंचुरीज बनाई जाती है। ठीक है, तो यही है सेंचुरी वगैरह बच्चों। और इसके अलावा जो सेंचुरीज वगैरह होती है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है जो अलाउ की जाती है ना, कुछ एक्टिविटी अलाउ की जाती है, अलाउ जैसे कि वहाँ पे कि जो भी उस सेंचुरीज के अंदर रहते हैं, जो पीपल वहाँ सेंचुरीज में रहते हैं सर्वाइव करते हैं, जो ट्राइबल्स हो गए वहाँ पे, जो पीपल वहाँ पे सर्वाइव करते रहते हैं, तो उनको ग्रेजिंग के लिए उनको अलाउ किया जाता है, एक कुछ मतलब कुछ कंडीशन के साथ में अलाउ किया जाता है। और इसके अलावा उनको मेडिसिनल प्लांट उनको कलेक्ट करने के लिए भी उनको अलाउ किया जाता है, फायरवुड के लिए भी उनको अलाउ किया जाता है, लेकिन कुछ शर्तें तक, ऐसा नहीं कि आप जितना चाहो उतना कर लो, ऐसा नहीं, कुछ लिमिट तक। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों हमको मालूम है कि जो स्पेसीज वगैरह हैं, कई सारी स्पेसीज है जो डे बाय डे वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में कई सारे ऐसे भी है जो इस कगार पे है कि जल्द से वो खत्म होने वाले हैं, तो उनको बचाने के लिए उनको बचाना जरूरी है। तो वो कौन कौन से स्पेसीज है, वाइल्ड एनिमल्स है जो मतलब कि खत्म होने वाले हैं, खत्म हो रहे हैं ना, उनको रोकना उनको बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे कि बात की जाए ब्लैक बक हो गया, वाइट आइट बक हो गया, एलिफेंट, गोल्डन गेट, पिंक हेडेड डक, गेरियल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, डायनासोर, तो ये बच्चों कुछ एनिमल है जो आप खत्म होने वाले हैं, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए अब इसके बाद में बच्चों हमारा जो बूजो है ये क्वेश्चन कर रहा है कि
जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमको मालूम है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बच्चों, यहाँ पे जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है एनिमल को, प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे है ना, एनिमल को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो एनिमल तो जू में भी प्रोटेक्ट किया जाते हैं। तो फिर क्या डिफरेंस आपको लगता है, क्या दोनों चीजें सेम है? क्या जो एनिमल है, जो भी एनिमल वगैरह, वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, जू में रहना पसंद करेंगे या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहना पसंद करेंगे? ये कौन कह रहा है, हमारा बुजो पूछ रहा क्वेश्चन। इसको डाउट आ रहा है कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल वहाँ पर भी सर्वाइव, उसको भी वहाँ पर एनिमल को वहाँ पर रखा जा रहा है, सेव किया जा रहा है, तो वहाँ तो हम जू में के अंदर भी देखते हैं, जू में भी रखा जाता है इनको, तो क्या दोनों सेम है क्या? नहीं बच्चों, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस है। ये जो जू होता है बच्चों, जू तो एक आर्टिफिशियल होता है, इनको जो एनवायरमेंट, इनको जो प्रोवाइड किया जाता है ना, आर्टिफिशियल इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर जाती है। ये आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है इनका, कि ये हमन क्या करते हैं, खुद से यहाँ पे ऐसा क्रिएट करते हैं माहौल, यहाँ पे एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि इनके एनिमल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, यहाँ नेचुरली होता है यहाँ पे। सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पे जो इनको फूड प्रोवाइड किया जाता है वो भी आर्टिफिशियल होता है काफ़ी टाइम, और यहाँ पे इनको नेचुरल फूड मिलता है इनको तो। और इसके अलावा, और यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली जो सेंचुरी है यहाँ पे, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे बाउंडेड रहते हैं, एक लिमिट में रहते हैं, क्योंकि इनको पूरा कवर कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इजीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एडवांटेज हैं, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे इतने नहीं है जितने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस अपने लिए हेल्पफुल है कि अपन जाकर इनको देख सकते हैं, इनके बारे में इनको जान सकते हैं, वहाँ पे विजिट किया इजीली, विजिट यहाँ पे भी किया जा सकता है और यहाँ पे भी किया जा सकता है, ठीक है। पर एनिमल के लिए जो बेनिफिशियल रहता है बच्चों, यही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो चाहेंगे, आप भी चाहोगे कि ओपनली रहना, तो ये भी ओपनली रहना चाहते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, मिला होगा, और आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। बाकी अब देख लेते हैं आपको कॉपी के अंदर क्या नोट, क्या क्या नोट करना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा, इसकी PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों। और आपको सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आप लोग, इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको, हाँ यहाँ से करोगे, बायोस्फीयर इज देयर पार्ट, कलर दूसरा ले लेता हूँ, यस, बायोस्फीयर इज देयर पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट सपोर्ट लाइफ, यहाँ तक करोगे। और चलो इसके बाद आगे, यस प्रोटेक्टेड एरिया, चलो हाँ यही कर लेना, प्रोटेक्टेड एरिया में यही कर लेना बच्चों, बाकी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूरा कर लेना, ये लिख लेना, नेशनल पार्क हेडिंग डालना, ये भी लिख लेना, बायोस्फीयर रिजर्व ये भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। और एक ये भी लिखना चाहिए, अच्छा ये भी लिख लेना कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, देखो चाहे आपसे कुछ भी पूछा, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूछा जाए, चाहे नेशनल पार्क का पूछा जाए, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व का पूछा जाए, इसमें से अगर आपसे कुछ भी पूछता है, अगर आपको कहता है कि इसमें से यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जो प्रोहिबिटेड होती है, यहाँ पर मना किया जाता है यहाँ पे, तो आप क्या क्या ले सकते हो, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फिलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पाउचिंग आर प्रोहिबिटेड दे, यहाँ पे इसको अलग से नोट बना के लिख लेना, ठीक है, स्टार बना के। इसके बाद में आगे बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर आप यही हेडिंग डालना है आपको, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इसको लिखना स्टार्ट करोगे मेन टू, अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व तो आपने लिख लिया ना, तो मत लिखना इसको, वापस मत लिखना आप लोग, बस एक ये लिख लेना कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा, टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पंचमढ़ी, ठीक है। ये कहाँ पे है पंचमढ़ी, ये यहाँ पे इसको ब्रेक MP भी लिख लेना, मध्य प्रदेश। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अपन, हाँ यहाँ पे एक डिफाइन लिखना बच्चों, बायोडायवर्सिटी की हेडिंग डाल देना, बायोडायवर्सिटी इसकी डिफाइन लिख लेना, बायोडायवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे, हाँ ये आपको लिखना फ्लोरा एंड फ्यूना, ये तो पूरा कर लेना आप लोग। इसके बाद में आगे, एंडेमिक स्पेसीज, यस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंडेमिक स्पेसीज आर दो स्पेसीज, ये करना आप लोग यहाँ तक, ठीक, हाँ ये भी लिखना, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, ठीक है। इसके स्पेसीज में, हाँ स्पेसीज की भी डिफाइन लिखनी है आपको, स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग,
ठीक है, यहीं तक कर लेना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी आपको लिखना है, सेंचुरी लाइक, अच्छा सेंचुरी भी आपने कर दिया, मत लिखना वापस। इसके बाद में हाँ ये कुछ लिख देना, सम ऑफ द थ्रेटन वाइल्ड एनिमल्स लाइक, ये नाम लिख देना है ना, डायनासोर तक। इसके बाद में आगे बच्चों बस यही है आपके लिए। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना करते हैं, ओके बाय एंड टेक केयर।